गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। हाउ मच इज 10 टाइम्स 5 लेस देन 6 टाइम्स 9। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 5 को अपन 10 टाइम्स लिखे और उनको मल्टीप्लाई करें और अपन 9 को 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो कौन सी डिजिट लेस है और कितनी डिजिट लेस है, तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए देखिए 5 इज 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 कितना बना 50, कितना बन गया ये 50। देन हम करेंगे 9 6 टाइम्स है तो 9 इज 6 टाइम्स, इट मीन्स 9 इंटू 6 9 6 जा 54, विच डिजिट इज ग्रेटेस्ट 54 एंड 50 इज लेस, तो हाउ मच नंबर इज लेस 54 माइनस 50 4 डिजिट ज्यादा है, इट मीन्स 6 टाइम 9 कितना ज्यादा हो गया 4 टाइम्स ज्यादा हो गया, इज आवर आंसर। देन अनदर क्वेश्चन, सपोज एक गर्ल है मानसी, मानसी एज आपको दी हुई है 9 ईयर, ओके मानसी एज इज 9 ईयर, सपोजिंग क्वेश्चन है बेटा। एंड हर ब्रदर कितना है, ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ मानसी, ट्वाइस मीन्स होता है डबल, मानसी की एज 9 ईयर्स है, ब्रदर की एज ट्वाइस है, तो आपको ब्रदर से एज फाइंड करनी है, क्या कर देंगे हम मानसी की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी एज आ जाएगी ब्रदर की, लिखो ब्रदर से एज 9 की कितनी एज है 9 और ब्रदर कितना है ट्वाइस, तो उसके ब्रदर की एज क्या हुई 18 ईयर्स, ओके हैंस बन जाएगा ब्रदर्स मानसीस ब्रदर एज, मानसीस ब्रदर एज 18 ईयर। इसी तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में होगा तो आप इसी वे में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज इन ए वीक, 7 डेज इन ए वीक, तो सपोज आपको 4 वीक्स में डेज का नंबर पूछे, 10 वीक्स में नंबर पूछे, तो कैसे निकालेंगे, आपको सपोज फाइंड करना है डेज ऑफ 5 वीक, 5 वीक्स में कितने डेज होंगे ये आपको फाइंड करना है, तो वी नो ए वीक हैज या 1 वीक हैज 7 डेज, देन 5 वीक्स में कितने होंगे, 7 इंटू 5 35 डेज, ओके। देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रिलेशन, बेटा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रिलेशन आपस में इक्वल चलता है, आप एक फैक्ट देखेंगे, सपोज मैं 2 इंटू 5 लिखू, 2 5 जो 10, ये आपको मल्टीप्लाई वे दिया हुआ है, इसको आपको डिवीजन फैक्ट लिखना है, इसको आपको डिवीजन फैक्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर है इसको 1 टाइम इससे डिवाइड कर देंगे, सेकेंड टाइम इससे डिवाइड कर देंगे, डिवीजन फैक्ट में 2 स्टेप बनेगी, कीजिए सॉल्व, 10 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5, फिर नेक्स्ट स्टेप में 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू जो 10 आंसर 2 आ जाएगा, ये हमारा डिवीजन फैक्ट है। इसी तरह अगर आपको
मल्टीप्लीकेशन दे दी जाए, आपको डिवीजन दे दिया, आपको डिवीजन दे दिया, सपोज 14 डिवाइडेड बाय 7 आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आंसर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 × 7 = 14। क्लियर? तो डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट आपस में रिलेटिव होते हैं, ये आपका वे है, आप इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।